हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये खुदा सॉन्ग है, इस पर अपलोड किया गया है जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 वीडियो शूट करना है अलग अलग पार्ट में। वीडियो को 1 से 2 बार प्ले करके दिखा दूंगा किस प्रकार वीडियो को शूट करना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और आपको यहाँ पर देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो कैसे शूट करना है वो मैं आपको प्ले कर दिखा दूंगा। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। सिंपल फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो चुका है और देख सकते हैं हमारे पर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म हो रहा है। इसके बाद इसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ करेंगे और सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और मैं आपको वीडियो को प्ले करता हूँ। सिंपल आपको कुछ इस तरह से दोनों हाथ को एक साथ करना है, कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट का भी वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद इसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर दिया हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट में आना है। तो आपको करना क्या है, आपको जो आपने शॉर्ट पहने हैं सिंपल कुछ इस तरह से टर्न आपको ले लेना है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको टर्न लेना है और जो शॉर्ट आपको हाथ में पहन रखे तो कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग करना है। इसके बाद ये शॉर्ट को आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको कपड़े को चेंज करना है और जो आपने शॉर्ट को चेंज किए थे वो शॉर्ट आपको हाथ में ले लेना है और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको फेंकना है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की तरफ जस्ट आपको फेंकना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट का लास्ट पार्ट का जो वीडियो हमारा है जो शूट यहाँ से हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर और इस पार्ट में आपको देखना है हमें टर्न हम कहाँ से ले रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हम टर्न लेने का स्टार्ट करते हैं, टर्न लिए और कुछ इस तरह से हमने एडिटिंग किया। तो आपको यहीं तक का सीन चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे और इस पार्ट को हमारा कोई काम नहीं है। तो इस पार्ट को हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको हल्का छोटा करके साइड में आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है, कलर की पे आना है और आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपको यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जस्ट आगे की तरफ लेकर आना है। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो रहा है तो आपको ये जो सेकेंड पार्ट जो चाहिए आपको यहीं तक का पार्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद मीडिया पे आएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को हमें जहाँ तक गर्ल का वीडियो दिखा रहा है वहीं तक का आपका सीन चाहिए। वीडियो को अगेन आगे की तरफ लेकर आएंगे और आपका सेकेंड पार्ट का जो बैकग्राउंड है आपको कहाँ तक रखना है वो बता देता हूँ मैं, तो 3.9 तक आप रख सकते हैं। इसके बाद इसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपको सेकेंड का पार्ट का वीडियो आपको कहाँ तक चाहिए, यानी कि 6.4 तक, 6.4 या 6.5 तक आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है इस पार्ट में आपको कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं, तो हमारा देख सकते हैं पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट को आपको काफ़ी ध्यान से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। आप यदि इस वीडियो को स्लो मो में करना चाह रहे हैं तो स्लो मो में भी कर सकते हैं। इसे स्पीड टू प्ले हिट करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आना है, 0.5 कर देंगे, ये जो है इमेज आपका स्लो मोशन में देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही सेकेंड वीडियो आपको देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है तो यहीं तक का आपका पार्ट चाहिए। ब्लैक कलर आपका स्टार्ट होगा तो आपका वीडियो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट का और सेकेंड पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है।
मीडिया पे आएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको ये जो वीडियो दिख रहा है वहीं तक आपका सीन चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट करते हैं। इसके बाद हमारा इस वीडियो का काम हो चुका है। इस वीडियो को हम अब सबसे पहले डिलीट करते हैं। इसके बाद वीडियो को आपको देखना है, लास्ट पार्ट पे हम चले आए हैं। तो लास्ट पार्ट का वीडियो हम कुछ इस तरह से रोटेट हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी ध्यान से तरह से घूमे, ठीक है। आपको हल्का सीन लेना है 1 से 2 सेकेंड तक का, ठीक है। इसके बाद वीडियो को आगे तक प्ले करेगा आएंगे और देखना है आपको कुछ इस तरह से, जैसे हम ऊपर की तरफ करते हैं, सिर्फ यही पार्ट चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बस इतना ही पार्ट चाहिए। इसके बाद इसे हम बिल्कुल लास्ट कर देते हैं। अब इसके बाद लास्ट पार्ट में आ जाएंगे हम। अब कुछ इस तरह से आपको वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो को आपको स्लो मो करना है तो सिंपल 0.5 कर देंगे। इसके बाद वीडियो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लास्ट पॉइंट पे आएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देंगे। अगेन सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ, आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, सिंपल। तो हमको अगेन बताऊँगा वीडियो को आपको किस तरह से देखेंगे। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, ग्रीन स्क्रीन वाले पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे कर देना है, फिर हम प्ले करते हैं। अब देखना आप वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो फ़िलहाल में ही अपलोड हुआ है। यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या, बिल्कुल आसान तरीके से आप बनाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हमारा बन चुका है, जो मैंने साउंड को म्यूट किया, उस साउंड को फिर से हम इसे 100 कर देते हैं। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।